नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के 8 जिलों में बालू खनन के टेंडर पर लगी रोक। बिहार सरकार किसानों को दे रही है 41,000 रुपए तक की सब्सिडी। सिवान में एक महिला ने एक साथ 5 बच्चों को दिया जन्म। महाअभियान में सूबे के 18.5 लाख से ज्यादा लोगों ने खुद को करवाया वैक्सीनेट। तेजस्वी यादव ने उपचुनाव में गड़बड़ी होने पर दिया खुला अल्टीमेटम। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। महाअभियान में सूबे के 18.5 लाख से ज्यादा लोगों ने खुद को करवाया वैक्सीनेट। बिहार के 18 प्लस की उम्र वाले वैसे लोग जिन्होंने अब तक कोरोना रोधी वैक्सीन नहीं लगवाई थी, उनके लिए टीकाकरण का महाअभियान सफल साबित हुआ। आलम यह रहा कि बीते रात गुरुवार को 9 बजे तक 18,66,925 से अधिक टीके को की खुराक लगाई गई। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के मुताबिक 14,765 केंद्रों पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। वहीं विभाग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान के तहत वंचित टोलों के आसपास भी टीकाकरण केंद्रों का संचालन किया गया। इन जगहों पर पहली और दूसरी दोनों डोज देने की व्यवस्था की गई। आपको बताते चले कि पर्व त्योहार को लेकर दूसरे राज्यों से लोगों के आगमन को देखते हुए भी टीकाकरण अभियान पर जोर दिया जा रहा है। बिहार सरकार किसानों को दे रही है 41,000 रुपए तक की सब्सिडी। अगर आपका भी मन बागवानी और किसानी करने में खूब रमता है तो आपके लिए खुशखबरी है। बिहार सरकार की तरफ से किसानों को बाग बगीचे की खाली जमीन में सब्जियां और मसाले उगाने पर सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना का नाम एकीकृत उद्यानिक विकास योजना है, जिसके तहत अंतर्वर्ती फसल योजना में हल्दी, अदरक और ओल की खेती करने पर अलग अलग अनुदान मिलेंगे, जिसमें ओल के लिए 41,000 रुपए प्रति यूनिट पर, हल्दी के लिए 11,150 रुपए प्रति यूनिट पर और अदरक के लिए 38,000 रुपए एक यूनिट पर सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए किसानों को उद्यान विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह भागलपुर जिले में लागू होगा, जिसके लिए लक्ष्य भी दिया गया है। आजादी के 75वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने बिहार से बनारस गई कार रैली। देश की आजादी के 75वीं वर्षगांठ की खुशी अगले साल स्वतंत्रता दिवस तक मनाई जाने वाली है। इसे लेकर देश भर के तमाम राज्यों में जश्न मनाने का सिलसिला जारी है। इस बीच बिहार की एक संस्था बोवार्ड, जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करती है, उनके द्वारा स्पोर्ट्स कार रैली का आयोजन किया गया। यह रैली इंडियन ऑयल और बिहार टूरिज्म के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, जिसे आज सुबह बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन और पर्यटन मंत्री ने हरी झंडी दिखाई। इस 2 दिवसीय रैली में कई प्रतिभागी शामिल है, जो कि शाम को 4 बजे वाराणसी पहुंचकर वहां गंगा आरती में शामिल होकर 30 अक्टूबर को वापस पटना लौट जाएंगे। इसके बाद अलग अलग कैटेगरी में कई अवार्ड 31 अक्टूबर को पटेल जयंती के मौके पर दी जाएंगी। बिहार के 8 जिलों में बालू खनन के टेंडर पर लगी रोक। सूबे में बालू की कमी को देखते हुए बीते दिनों ही सरकार ने यह आदेश दिया था कि जिनके पास पहले से पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र है, वे भोजपुर, सारण, औरंगाबाद, पटना, रोहतास, गया, जमुई और लखीसराय में बालू घाटों के टेंडर प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। लेकिन सरकार के इस आदेश को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने झटका पहुंचाया है, जिसके बाद बिहार सरकार एक के खनन विभाग ने भी इन 8 जिलों में टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। एनजीटी का कहना था कि पुराने पर्यावरण प्रमाण पत्रों के आधार पर बालू घाटों के टेंडर कैसे किए जा सकते हैं, जिसके बाद सवाल उठने पर राज्य सरकार ने भी इस मामले में कानूनी सलाह ली और तत्काल के लिए इन 8 जिलों में बालू टेंडर पर रोक लगा दी है। सिवान में एक महिला ने एक साथ 5 बच्चों को दिया जन्म। बिहार के सिवान जिले में बीते दिन गुरुवार को एक अनोखी घटना हुई। यहां सदर अस्पताल सिवान में बीते दिन एक महिला ने एक साथ 5 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें 3 लड़कियां और 2 लड़कों का जन्म हुआ। जन्म लेने वाले सभी 5 नवजात बिल्कुल स्वस्थ हैं। उनमें से एक नवजात बच्ची का भार 1.1 केजी और बाकी के 4 नवजातों का भार 1.1 किलोग्राम बताया गया है। फिलहाल सभी डॉक्टर की निगरानी में है। जानकारी के मुताबिक प्रसूति महिला सिवान के इस्माइल तकिया की रहने वाली मोहम्मद झूना की पत्नी फूल जहां खातून बताई गई है। डॉक्टर ने बताया कि जांच में ही इस बात की पुष्टि हो चुकी थी, इसलिए सिजेरियन करके डिलीवरी कराई गई। हालांकि इस खबर से लोगों के बीच उत्सुकता बढ़ गई और अस्पताल के पास भीड़ उमड़ पड़ी। बिहार के मेडिकल कॉलेजों के इंटर्न डॉक्टरों ने अपने हड़ताल को किया खत्म। सूबे के सभी 9 मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने अपने हड़ताल को एक ही दिन में खत्म कर दिया। बताते चले कि बुधवार को स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर कार्य का बहिष्कार करने के बाद बीते दिन गुरुवार को सुबह से ही ये सभी डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। इस दौरान पीएमसीएच में ओपीडी और रजिस्ट्रेशन काउंटर को भी बंद कर दिया गया था, जिस वजह से मरीजों को काफी दिक्कतें आईं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से वार्ता के बाद
बाद इंटर्न डॉक्टरों ने अपने हड़ताल को खत्म कर दिया। बताते चले कि इन डॉक्टरों का कहना है कि सरकार ने पिछले 4 सालों से स्टाइपेंड में बढ़ोतरी नहीं किया है और उन्हें मात्र 15,000 रुपए ही स्टाइपेंड मिलता है, जो कि अन्य कॉलेज अस्पतालों से बेहद कम है। अब जानेंगे बिहार के मौसम का ताजा हाल। बिहार के सभी हिस्सों में जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ही दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते दिन गुरुवार को पटना और इसके आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री के बीच देखने को मिला। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक 2 दिनों में तापमान में और गिरावट होने की संभावना है, जिसके तहत शनिवार और रविवार को न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक जा सकती है। बारिश की बात करें तो अमूमन भागों में मौसम शुष्क ही है, मगर उत्तर पूर्वी भाग में बसे पूर्णिया जिले में बीते 24 घंटों के दौरान स्थानीय कारणों से छिटपुट बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी का असर बिहार में देखने को मिल रहा है, जिस वजह से दिन में कुहासा छाने लगा है। बिहार में 4 जिलों से 6 नए कोरोना संक्रमितों की हुई पुष्टि। सूबे बिहार में ताजा आंकड़ों में कोरोना के मामले पहले की अपेक्षा थोड़े बढ़े हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से रिलीज किए गए बीते दिन के पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 4 जिलों से कुल 6 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिनमें पटना और पूर्वी चंपारण जिले से 2-2 मरीज मिले हैं, जबकि अररिया और नवादा जिलों से 1-1 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 1 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद अब राज्य में कोरोना के एक्टिव मामलों की कुल संख्या 45 हो गई है। तो वहीं रिकवरी दर में भी सुधार होकर यह 98.66% पर पहुंच गया है। राजधानी पटना के हर मोहल्ले में बना डेंगू का खतरा। बिहार के राजधानी पटना में हर साल इन महीनों में डेंगू का प्रकोप बढ़ जाता है। यहाँ बिहार के अन्य जिलों से बड़ी संख्या में स्टूडेंट से लेकर मजदूर वर्ग के लोग रहने आते हैं। ऐसे में स्थानीय निवासियों के साथ ही इन पर भी डेंगू का खतरा बढ़ जाता है। पटना के अस्पतालों में करीब हर मोहल्ले से डेंगू के मरीज भर्ती हो रहे हैं। ऐसे में यहाँ रह रहे सभी लोगों को खास सतर्कता बरतने की जरूरत है। पीएमसीएच में गुरुवार को 64 लोगों की डेंगू जांच हुई, जिनमें 20 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई। इनमें 8 पटना के निवासी हैं। इसके साथ ही पटना में अब कुल डेंगू पीड़ितों की संख्या बढ़कर 133 हो गई है। हालांकि इस खतरे को देखते हुए निगम प्रशासन की तरफ से भी साफ सफाई और फॉगिंग करवाने की प्रक्रिया को युद्ध स्तर पर करवाए जाने की दरकार है। तेजस्वी यादव ने उपचुनाव में गड़बड़ी होने पर दिया खुला अल्टीमेटम। बिहार के 2 विधानसभा सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान में कल यानी कि शनिवार को वोटिंग होनी है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने राजद प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाए और साथ ही एक खुला अल्टीमेटम भी दे दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं और चुनाव आयोग के निर्देश की खुले आम धज्जियां उड़ा रहे हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि 30 अक्टूबर को वोटिंग के दौरान कोई गड़बड़ी हुई तो वे हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच जाएंगे। इसके लिए उन्होंने अभी से ही पास में हेलीकॉप्टर रखा हुआ है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वोटिंग प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी की बात सामने आने पर वे चुप नहीं बैठने वाले हैं और इसके लिए वे एक्शन लेंगे। मुकेश सहनी ने लालू यादव के प्रति दिखाया प्यार। बिहार में खास जाति वर्ग के नेता के रूप में उभरे मुकेश सहनी इन दिनों उत्तर प्रदेश में भी अपने खास वर्ग का समर्थन पाने में जुटे हुए हैं, वो भी एनडीए के खिलाफ अकेले। हालांकि बिहार में एनडीए से उनका रिश्ता पूरी तरह सुलझा हुआ है, इस बात को भी खुद ही साफ कर चुके हैं। इस बीच अब उन्होंने विपक्षी पार्टी आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद के प्रति अपने प्रेम को जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि लालू यादव से बातचीत होती रहती है, इधर कुछ दिनों से नहीं हुई है, लेकिन उनका फोन आता है तो वे लालू यादव से जरूर आशीर्वाद लेंगे। वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव के बारे में खड़ी खोटी सुनाते हुए कहा कि उन्हें गठबंधन धर्म और अपने बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए। इस दौरान मुकेश सहनी ने फिर से साफ किया कि वे बिहार के एनडीए सरकार के पाले से ही जुड़े रहेंगे। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर को दी प्रायश्चित करने की नसीहत। बिहार में इन दिनों कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ाने वाले जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव कांग्रेस के लिए दिल से जुड़ाव दिखा रहे हैं और यही कारण है कि वह केंद्र की भाजपा सरकार पर और भी ज्यादा हमलावर हो रहे हैं। इस कड़ी में हाल ही में कांग्रेस के लिए काम कर रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जब यह बयान दिया कि बीजेपी के खिलाफ लोगों में नाराजगी है मगर भाजपा का असर देश में बना रहेगा, तब पप्पू यादव भी इस बयान को लेकर प्रशांत किशोर पर हमलावर हो गया है। उन्होंने कहा कि देश को बीजेपी की नफरती सियासत और मोदी सरकार देने वाले प्रशांत किशोर ही हैं, इसलिए पीके को इस बात का प्रायश्चित करना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता ने तेजस्वी यादव को बताया 9वीं पास प्रोफेसर। बिहार की सियासत में नेताओं की शैक्षणिक योग्यता के बारे में सवालिया निशान खड़े करना आम बात है, क्योंकि यहां बिना डिग्रीधारी वाले भी प्रतिनिधि कई शीर्ष पदों को संभाल रहे हैं। इस बीच तेजस्वी यादव की शैक्षणिक योग्यता को बीजेपी प्रवक्ता ने
मुद्दा बनाया है। दरअसल तेजस्वी यादव अक्सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हैं कि उन्हें ABCD और क ख ग घ का भी ज्ञान नहीं है। इसी पर जवाब देते हुए बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने तेजस्वी यादव को 9वीं पास प्रोफेसर बता दिया है। बीते दिन अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि पंडित मनोज झा ने तेजस्वी यादव को ऐसा ज्ञान दे दिया है जिससे वो बिना मैट्रिक पास किए ही प्रोफेसर बन गए हैं, और अब प्रोफेसर तेजस्वी यादव को तो हक बनता ही है कि वे बिहार के इंजीनियर मुख्यमंत्री को ABCD और वर्णमाला के ज्ञान पर टिप्पणी करें। आर्यन खान को जमानत मिलने पर मन्नत में छाई खुशी। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज केस में बीते दिन जमानत मिलने के बाद से ही उनके परिवार के साथ ही उनके फैंस के बीच में भी खुशी का माहौल है। खासकर शाहरुख खान के फैंस को अभिनेता के लिए खुशी हो रही है। इस बीच आर्यन खान की बहन सुहाना खान ने भी भाई के रिहा होने पर खुशी जाहिर की है। सुहाना खान ने बीते कुछ दिनों से आर्यन खान को जमानत न मिलने की वजह से सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी, लेकिन भाई को जमानत मिलने के बाद सुहाना खान ने भी इस बात की खुशी जताई। एक बेहद ही खूबसूरत तस्वीर शेयर करके उन्होंने यह खुशी जताई है। ये चार अलग अलग पुरानी तस्वीरों का कोलाज है जिसमें शाहरुख खान, सुहाना खान और आर्यन खान तीनों साथ नजर आ रहे हैं। इस फोटो कोलाज को शेयर करते हुए सुहाना खान ने कैप्शन में लिखा, आई लव यू। कोहली की बल्लेबाजी देख हैरान दिखे अय्यर और किशन। T20 विश्व कप टूर्नामेंट में अपने पहले ही मैच में भारतीय टीम पाकिस्तान से हारने के बाद अब अपने अगले मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरने वाली है, इसलिए अब न्यूजीलैंड के खिलाफ करो और मरो का मुकाबला खेलने उतरेगी और इसके लिए कप्तान विराट कोहली जी तोड़ मेहनत करते देखे जा रहे हैं। इस दौरान नेट सेशन में बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली ने शानदार शॉट खेला जिसे देखकर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर हैरान रह गए और तारीफ करने पर मजबूर हो गए। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। वीडियो में जिस दिशा में विराट की गेंद उड़ती हुई जा रही थी उसी दिशा में दोनों खिलाड़ी हैरानी से देखने लगे थे। हालांकि अब इंतजार है कोहली के इस जलवे का मैच वाले दिन भी बरकरार होने का। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार आपके जिलों में डेंगू जैसी बीमारियों के खतरे से बचने के लिए नियमित रूप से फॉगिंग कराई जा रही है या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।